हेलो एवरीवन, मैं हूं देवेश दिवानगर और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क को आगे लेकर चलेंगे। उसके दो पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, आप उसको पूरा देखेंगे। इसके बाद कुछ 6-7 पार्ट और रहेंगे टाइम एंड वर्क, उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं करने की कोशिश करूंगा। जैसे कुछ बोल रहे थे कि सर एक काम बीच में करता है, बीच में छोड़ देता है, कोई आधा करता है कभी बीच में, सभी टाइप को मैं लेकर चलूंगा। आप धैर्य रखेंगे, मैं सभी प्रकार के क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। तो देखेंगे, ये एक नया पार्ट रहेगा, देखते हैं इसमें क्या कुछ नया क्वेश्चन है मेरे पास। हो सकता है मैं जो तरीका बताऊंगा वो थोड़ा सा बाकी जो ट्रिकी मेथड है उससे थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक ही तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन को कराऊं, इसलिए हो सकता है कोई किसी क्वेश्चन में वो थोड़ा सा लंबा हो जाए। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन तथा ए और सी मिलकर उसी कार्य को 18 दिन में, तो बताइए ए 18 दिन में पूरा करते हैं, तो बताइए ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज व्हाइल बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 24 डेज एंड ए एंड सी इन 18 डेज, सो इन हाउ मेनी डेज विल ए अकॉम्प्लिश दैट टास्क अलोन। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, देखेंगे समझेंगे। हो सकता है आपको ये लंबा लगे, लेकिन ये जो तरीका है वो सभी क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होगा, इसलिए मैं इसको बताऊंगा। वैसे आप समझ जाएंगे तो एक लाइन में बन जाता है, वो समझाने के लिए लंबा रहता है। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ए एंड बी का काम बोल रहे हैं, तो देखो दोनों के एक एक दिन का कार्य 1/A + 1/B, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितने दिन में कर सकता है 36 दिन, ये हो जाएगा 1/36। इसको समझेंगे, मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, एक ही बार समझाऊंगा, फिर उसके बाद बाकी जो उधर का स्टेप है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे ही बी एंड सी 1/B + 1/C, ये कितने दिन में पूरा कर सकते हैं बोल रहे हैं उसको 24 दिन में, दिए ना 1/24 आ गया। ठीक है, वैसे ही ए और सी, ये 1/A + 1/C, ये कितने दिन में 1/4। अभी देखो मैं इसको कुछ सॉल्व नहीं किया, बस जो क्वेश्चन में दिया है उसको बस दिखाऊंगा। हाँ, हालांकि देखने में थोड़ा लंबा जैसे लग रहा है। अभी देखो मैं तीनों को जोड़ देता हूँ, इस सबको जोड़ देता हूँ, तो 1/A, 1/B, 1/C, सब दो दो बार दिख रहे है ना, तो 2/A + 1/B + 1/C, सबका दो दो बार, इसको मैं जोड़ लेता हूँ 1/36 + 1/24 + 1/18, ये ऐसा आ गया है। अगली बार जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो इसी स्टेप्स को लेकर चलूंगा सीधा, इसको लिखने की मेरे को आवश्यकता नहीं, सीधा इसको लेकर चलूंगा मैं। ठीक है, कैसे यूज करूंगा मैं भी आपको बताऊंगा, पहले क्वेश्चन में पूरा बताऊंगा, फिर धीरे धीरे उसको स्टेप को छोटा करते जाऊंगा। देखिए इसको आगे लेकर चलते हैं, आगे इसको कैसे करेंगे, ये 2 है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये 1/A + 1/B + 1/C, ध्यान से देखेंगे ये 2 ट्रांसफर हो गया, 1/2 हो गया इधर, और इसका एलसीएम आएगा 72। किसका एलसीएम, इसका एलसीएम 72, 36 2 जा 72, 24 3 जा 72, और 18 4 जा 72, ये हो गया ऐसा। ये 1/2 × ये 4 × 3 = 7, 2 = 9, 8 × 3 = 72, ये 1/8, यहां से आ गया 1/16। तो अभी क्या निकला है, तीनों मिलाकर एक दिन का कार्य कितना है 1/16। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए अकेले उस कार्य कितने दिन पूरा करेगा, देखो तीनों मिलाकर एक दिन का कार्य कितना है 1/16 है। ठीक है, अब इसमें मेरे को ए अकेले का निकालना है, ए अकेले का निकालना है, तो मैं मान लो बी और सी को घटा देता हूँ, अगली बार से अगले क्वेश्चन से सीधा इस स्टेप से करूंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, बी और सी को मतलब ये वाले सेगमेंट को घटाना पड़ेगा। यदि ये वाला सेगमेंट को मैं घटा देता हूं तो ए निकल जाएगा वो, है ना। तो देखो 1/A इधर से घटाया मैं इसको, तो बी 1/B 1/C कैंसिल हो गया, 1/A = 1/16, तो इधर से भी घटाना पड़ेगा -1/24, ये ऐसा आ गया। प्रैक्टिस में रहेगा तो डायरेक्ट ये वाला स्टेप यहां पे लिखे आप, और डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 48 16 3 48 24 2 48, ये आ गया 1/48। तो ए अकेले उस कार्य को 48 दिन में 48 डेज में कंप्लीट करेगा। समझने के लिए ये थोड़ा लंबा लग रहा है आपको, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे प्रैक्टिस के बाद तो ये 20 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, 20 से 30 सेकंड, आधा मिनट में बन जाएगा।
ठीक है। अभी इस पार्ट में ऐसा ही क्वेश्चन रखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो। यदि फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको प्रॉब्लम है तो फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन आप प्रैक्टिस कीजिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम टाइम एंड वर्क चैप्टर के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 घंटे में, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 3 घंटे में, तथा ए और सी मिलकर उसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए बी अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। ध्यान से सुनना है, वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पहले बनाए थे। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स, व्हाइल बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 3 आवर्स एंड ए एंड सी इन 2 आवर्स, सो इन हाउ मेनी आवर्स विल बी अकम्प्लिश दैट टास्क अलोन। वैसे ही बनाना है, समझना है। आप जो भी पहला पार्ट देखे, पहला क्वेश्चन में जो बनाया बताया हूं उसको आप ध्यान से पहले समझेंगे, फिर इस क्वेश्चन में आएंगे। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो फिर से उसको देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, 2 1/a + 1/b + 1/c, ये किसके बराबर हो जाएगा, क्या क्या कितने घंटे में, 4 घंटे में, 1/4, फिर 3 घंटे में, और ये 2 घंटे में, ठीक है, ये इसके इसके बराबर रहेगा। उसके बाद ये 1/a + 1/b + 1/c, इसको नहीं लिखेंगे बार बार तो भी चलेगा, क्या हो जाएगा यहां से 12 हो जाएगा, 12 लिख लिए, 4 3 12, 3 4 12, 2 6 12, 6 4 10 3 13, और ये 24, ये ऐसा आ गया 13/24, ये इसका वैल्यू है पूरा का पूरा। उसमें क्या बोला है, बी अकेले का काम पूछा हुआ है, बी अकेले मतलब ए और सी को मेरे को घटाना पड़ेगा, तो ए और सी मिलकर उसको कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं, 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो 1 घंटे का काम यहाँ पे दिया है मिलाकर, तो ए और सी घटा लेते हैं, 1/b निकल जाएगा, ए और सी को मैं यहाँ पे घटा रहा हूँ, तो ये 13/24 - 1/2 वाला 1/2, यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 24 का 24 रखेंगे उसको, फिर कैसे करेंगे, ये 12 बार में जाएगा, ये 12 यहां से आ गया 1/24, ठीक है, तो 1/b = 1/24, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से, 24, और क्वेश्चन में घंटे में दिया हुआ है, आवर्स में दिया हुआ है, इसलिए आएगा 24 घंटे। क्या आ जाएगा, b अकेले उस काम को कितने घंटे में पूरा कर सकता है, 24 घंटे में पूरा कर सकता है, 24 आवर्स में पूरा कर सकता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो इसको मेरे को समझा कर लिखने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन इसको जब मैं खुद सॉल्व करूंगा तो बहुत कम समय लगेगा। होता है 1-2 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो कुछ ज्यादा समय ले लेता है बाकी क्वेश्चन की तुलना में, लेकिन फिर भी बन तो जाता है, इसको बनाना ही है आपको, ठीक है ना। अभी देखते हैं एक और क्वेश्चन ऐसे ही वाला बना के, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी तथा सी वही कार्य 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए तथा सी उसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तदनुसार अकेला ए वही कार्य कितने दिनों में कर पाएगा आपको बताना है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, व्हाइल बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज एंड ए एंड सी इन 15 डेज, सो इन हाउ मेनी डेज विल ए अकम्प्लिश दैट टास्क अलोन। इसमें ऑप्शन भी दिया है 24, 20, 40 एंड 30, तो आपसे ये इजिली बन जाएगा क्योंकि इससे पहले 2 क्वेश्चन ऐसे ही हम लोग बना चुके हैं। आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर यदि आपसे बनता है और नहीं बनता है उसके बाद फिर आप लोग बनाएंगे, देखेंगे समझेंगे। 2 1/a + 1/b + 1/c, क्या आ जाएगा, कितने कितने दिनों में कर सकता है वो, 10, 12 एंड 15, 1/10, 1/12, 1/15, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता था, ये 1/2 आ जाएगा, इधर ट्रांसफर हो गए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 दिख रहा है, 6 टाइम ये 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ऐसा हो जाएगा, ये 6 4 10 5 15, 15/60 कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4 इधर ये आएगा, 1/8, ठीक है। अभी इसको किस किस में घटाना है, इसको मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, ये 1/ हो जाता है क्योंकि 2 ट्रांसफर उधर चला गया, अभी 2 उधर से हट गया, ठीक है। किसका निकालना है, ए अकेला का कार्य निकालना है, मतलब बी और सी को घटाना पड़ेगा, बी और सी मतलब ये बीच वाला घटाएंगे अपन, ए बी बी सी ऐसा चल रहा था ये, तो ये वाला हम लोग घटा लेंगे, ए बी बी सी है ना, हाँ ठीक है। 1/a = 1/8 - 1/12, ऐसा कर लेंगे हम लोग, इसका एलसीएम कितना होता है, 24 हो जाएगा, 8 या 24, 12 दूनी 24, ये आ जाएगा 1/24,
यहाँ हम लोग डेज में लेके चल रहे थे क्या? हाँ, दिनों में लेके चल रहे थे। तो ए अकेला उस कार्य को 24 दिनों में पूरा करेगा, 24 डेज में कंप्लीट करेगा। तो अब आसान हो गया होगा, तीसरा प्रश्न था, बिल्कुल आसान हो गया था। इसमें इसी क्वेश्चन में एक थोड़ा सा वेरिएशन है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या थोड़ा सा बदलाव है उसमें, एक स्टेप और ज्यादा है, देखते हैं उसको बना के क्या थोड़ा सा उसमें चेंजेस है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ए और बी किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी को 24 दिनों में कर सकते हैं, तथा सी और ए 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये तो अभी तक का पहले का सिचुएशन है जैसा था। वे सभी 10 दिनों के लिए मिलकर काम करते हैं, फिर बी और सी काम छोड़ देते हैं। काम को पूरा खत्म करने के लिए ए कितने दिन और लगाएगा आपको बताना। थोड़ा सा इसमें क्या है, चेंजेस हो गया। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, व्हाइल बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 24 डेज, एंड सी एंड ए इन 20 डेज। दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, देन बी एंड सी लिव। How many days more will A take to finish the work? देखो समझना है, वैसे ही बनाना है, अलग अलग पहले एक एक निकाल लेते हैं कि ये कितने दिनों में उसको पूरा करेगा और कितना काम बाकी रह गया, हटा लेंगे, मिल जाएगा अपने को। तो यहां से 2 क्या रहता था, 1/A, 1/B, ये 2 है, क्लियर नहीं दिख रहा है, ये 1/C, कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं उसको, 30, 24 और 20, 30, 24 and 20, ये दिया हुआ है। तो ठीक है, उसके एक एक दिन का कारण निकालते हैं, 1/A, 1/B, 1/C। यहां से इसका क्या हो जाएगा, यहां 1/2 लगा लेता हूं सामने में पहले में, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 120 होगा क्या? ठीक है, 120, ये 4 जा, ये 5 जा, ये 6 जा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 1/2 को ऐसे ही रखते हैं, कितना हो जाएगा ये, 6 4 10 5 15/120 कैंसल हो जाएगा, कि 15 8 120 होता है क्या, 8 टाइम्स कैंसल होगा, ये 1/16 आ जाएगा। ठीक है, ये 1/16 आ गया। ये इन तीनों मिला के एक दिन का कार्य है, एक दिन का कार्य, लेकिन तीनों मिला के कितने दिन काम कर लिए, सब मिला के 10 दिन तीनों ने एक साथ काम किया, मतलब 10/16 वर्क हो गया, 10/16 वर्क हो गया 10 दिन तक काम, एक दिन का 10 से मल्टीप्लाई कर दिया सीधा सीधा। इसको मैं किससे कैंसिल कर लूं, 2 से कैंसिल करता हूं, 2 5 जा एंड 2 8 जा, इतना वर्क फिनिश हो गया, इतना वर्क हो गया, फिनिश हो गया। तो कितना काम बाकी रह जाएगा, 1 - 5/8, इतना काम बाकी रह जाएगा, यानी कि 3/8, इतना अभी करना है, अभी इतना क्या है बाकी है, इतना काम बाकी है। और इतना काम को कौन करेगा, अकेले कौन अकेले करेगा इतना काम को, ए अकेले करेगा, वो तो बोल रहा है यहाँ पे, ए अकेले कितने दिन में खत्म करेगा उस काम को आपको बताना है। ठीक है, इतना काम बाकी है उसको ए अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो ए अकेले कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट कर सकते, पहले उसको देख लेते हैं। तो यहां से मैं बी और सी को घटा लूंगा, तो 1/A इज इक्वल टू, बी और सी को घटा रहा हूं, 1/16 में से बी और सी कौन सा है, ये 1/24 है क्या, 1/24 को मैं माइनस कर लिया, ये 48, 16 3 48, 24 2 48, ये 1/48। ए अकेले उस काम को 48 डेज में कंप्लीट करता है, कितने दिन में कंप्लीट करता है, 48 डेज में कंप्लीट करता है, लेकिन काम कितना बाकी है यहाँ पे, 3/8। एक काम को अकेले ए जो है 48 डेज में कंप्लीट करेगा, 48 डेज में कंप्लीट करेगा, लेकिन अभी एक काम नहीं बाकी है, कितना काम बाकी है, 3/8 बाकी है। तो 48 × 3/8, ठीक है, ये 8 6 48 6 18 दिन में बाकी बचे काम को ए कंप्लीट कर देगा, 18 दिन में बाकी बचे काम को ए कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पर थोड़ा समझने वाला बात है, बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है, इसको आप बना सकते हैं। और भी तरीके, इसको आपको YouTube में बहुत सारे तरीके रहते हैं, बहुत सारा नया नया तरीका रहता है, वहाँ से आप इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक ही तरीके को इस्तेमाल करके सारा क्वेश्चन बनाऊँ, क्योंकि इतना सारा तो ऐसे भी टॉपिक है, उसमें इतने सारे तरीके याद करते करते समझते फिर समय हो जाता है और कभी कभी माइंड में नहीं रहता है, तो एक ही तरीके से मैं उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे आपको YouTube में बहुत सारा और तरीका मिल जाएगा, ये आपको तरीका नहीं पसंद आता है तो आप वो सर्च करके देख सकते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट में मैं देखता हूँ क्या क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट पार्ट में कुछ इस टाइप से थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन रहेगा,
उसको भी मैं जल्दी से जल्दी लेके आऊंगा। कंटिन्यू शूट कर रहा हूँ मैं, आपको जल्दी से जल्दी बहुत सारा वीडियो टाइम एंड वर्क का मिल जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, बिल्कुल दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहिए और आप रिकमेंड कीजिए, कोई आपको वीडियो अच्छा लगता है या कोई लगता है कि हाँ इस स्टूडेंट को या इस दोस्त को आवश्यकता है, इसका मैथ कमज़ोर है, तो उसको बिल्कुल बताइए कि ये वीडियो यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो, तो उसके लिए बिल्कुल फायदेमंद होगा। बाद में आपको बोले हाँ अच्छा चीज़ बताने के लिए थैंक यू, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट बहुत सारा मेरे को सुनने को मिला है, स्टूडेंट लोग मुझे बता रहे हैं। थैंक यू।